यूपी पुलिस अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूती दे रही है और उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शूट आउट अभियान जारी है। अपराधियों को उनकी असली जगह पर भेजा जा रहा है। यूपी की बुलंदशहर पुलिस ने शनिवार तड़के हिस्ट्री शीट राशिद बनिया को गोली मार दी। पूरा मामला थाना खानपुर इलाके का है। यहाँ खानपुर पुलिस और स्वाट देहात टीम की आपराधिक घटना को अंजाम देने आ रहे दिल्ली के बदमाश राशिद बनिया से मुठभेड़ हो गई। इस क्लैश में शातिर बदमाश राशिद बनिया को दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक राशिद पिछले एक साल से दिल्ली से आकर बुलंदशहर में क्राइम कर रहा था। राशिद के पास से पुलिस ने एक बाइक, एक तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया है। राशिद पर कई थानों में 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यही वजह है कि राशिद पर 10,000 का इनाम भी रखा गया था। जनपद बुलंदशहर में अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उस क्रम में आज थाना खानपुर को एक विशेष सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर खास की सूचना पे थाना खानपुर पुलिस तथा स्वाट देहात की जो टीम थी वो सौजना झाया गेट के पास चेकिंग कर रही थी। एक संदिग्ध बाइक को जब रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने उसका पीछा किया गया द्वारा जब उसका पीछा किया गया तो इस क्रम में वो गिर गया। पुलिस से गिरता देख उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में इसके दाहिने पैर में एक गोली लगी है। इस व्यक्ति की पहचान राशिद पुत्र अब्दुल्ला, जो कि न्यू सीलमपुरी नई दिल्ली का रहने वाला है, इसके रूप में हुई है। ये 10,000 रुपये का इनामिया था। इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये जनपद के विभिन्न थानों से 10 मुकदमों में लगभग वांछित चल रहा था। इसके पास से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल, एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। उपचार के लिए इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में कमी देखने को मिली है, जिसके पीछे सीएम योगी की मंशा और यूपी पुलिस की ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को बड़ी वजह माना जा रहा है। एनडीए पब्लिक खबर के लिए बुलंदशहर से संवाददाता त्रिलोक चंद्र की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।